अगर आप कपिल वस्तु गौतम बुद्ध को भी देखें बहुत सारी किताबों में गलत भी लिखा है लेकिन वो नेपाल की हेरिटेज है तो जब नेपाल की इतनी एंशंट हेरिटेज है तो लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए अलिकति आऊँच अन मेरे हस्बैंड से मैं प्रार्थना कर चुँ तो तपाई बोलू हो बट ही डजेंट टॉक मच सो आई डोंट लर्न मच बट आई ट्राई आई ट्राई टू लाइक अली अली कूरा कर चु मेरे फ्रेंड्स अने दोस्त संग एंड मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर नेपली जस्ट सो यू नो काला गोरा रंग का एक बहुत बड़ा डिफ्रेंसीशन होता है कि जो लड़की थोड़ी सांवली है वो फिर सुंदर ही नहीं है बहुत लोग का ऐसा मानना है लेकिन मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहती थी मैं भी मतलब सांवले कलर की लड़की थी जब मैं बड़ी हो रही थी और मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी तो मुझे लोग इस तरह से नहीं देखते थे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ तो जब मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि सुंदरता जो है कलर से नहीं आती है सुंदरता आपके अंतर मन से आती है आपके कॉन्फिडेंस से आती है और आप कैसे अपने ग्राउंडेड रहें मतलब अपनी रूट से जुड़े रहें या अपने लोगों को रिस्पेक्ट करें वो रियल सुंदरता होती है तो मैं हमेशा नेपाल की चर्चा ज़रूर करती हूँ ताकि मैं मैं चाहती हूँ लोग जाने कि मैं किस तरह से नेपाल से जुड़ी हुई हूँ हु, वहाँ का कल्चर क्या है या मेरे किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए तो ये एक मेरा गोल है या ऐसा मेरा एक पैशन है कि आई एम ए नेपाली बुहारी आई एम ए इंडियन छोरी अनि देन आई एम इन अमेरिकन सिटिजन दर्शकिन अहिले म एकजना भारतको छोरी नेपालको बुहारी जो चाहिँ अमेरिकामा बसेर नेपालको रिप्रेजेन्ट नेपाललाई उहाँले चिनाउने काम गर्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ मिना गुप्ता मिस मिसेस युनिभर्सको विनर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँसँग हामी आज हामी छोटो मिठो कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्नु सक्छ बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँको यो तपाईँले जुन मिस युनिभर्स के अरे मिसेस युनिभर्स अमेरिका जुन विनर गर्नुभयो होइन तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ धन्यवाद तपाईँको धेरै धेरै धन्यवाद कस्तो यो चाहिँ कस्तो खालको एउटा भनौँ न यो क्राउन तपाईँले जुन लाउनु भएको छ नि यो कस्तो खालको विषय सो आई थिङ्क द क्राउन कम्स विथ द लर अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तै जब आप क्राउन हैं तो इसका जो भार है उतना नहीं है लेकिन जो रेस्पोन्सिबिलिटी यसको साथ आती है उसका ज्यादा भार होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कुछ कहीं पर कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ अपने एक्शन कर रहे हैं आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और जब मैंने ये क्राउन पहना तो मैंने सिर्फ ऐसा नहीं पहना कि आई एम जैस अ यू एस सिटीज़न मैंने इस तरह से पहना कि आई एम अ नेपाली बुहारी आई एम अ इंडियन छोरी अनी देन आई एम इन अमेरिकन सिटीज़न तो जब भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने विचार व्यक्त करती हूँ तो मैं हमेशा नेपाल की चर्चा ज़रूर करती हूँ ताकि मैं मैं चाहती हूँ लोग जाने कि मैं किस तरह से नेपाल से जुड़ी हुई हूँ वहाँ का कल्चर क्या है या मेरे किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो ये एक मेरा गोल है या ऐसा मेरा एक पैशन है कि मैं जो भी एक्शन या जो भी काम करूँ उस पर मैं नेपाल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँ इस्पेशली यहाँ की गर्ल्स के लिए कि वो चाहे एजुकेशन हो चाहे सेल्फ इस्टीम हो या कोई भी लिफ्ट में हो या आप लिफ्ट में हो वो मैं उसको ज़रूर मेन फ्रंट पे लाऊं और किसी तरह से हेल्प करूं चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर वो इमोशनल या फिर इकोनॉमिक जिस भी तरीके से उद्देश्य के साथ तो यो प्रति so, प्रतियोगिता में भाग भाग उद्देश्य में में यो हो सो प्रतियोगिता जब भाग लिया था उसका उद्देश्य एक और भी था तो वो ये था कि हमारी जो आज की सोसाइटी है या जब मैं भी पल्ली बड़ी थी तो एक काला गोरा रंग का एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होता है कि जो लड़की थोड़ी सांवली है वो फिर सुंदर ही नहीं है बहुत लोग का ऐसा मानना है लेकिन मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहती थी मैं भी मतलब सांवले कलर की लड़की थी जब मैं बड़ी हो रही थी और मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी तो मुझे लोग इस तरह से नहीं देखते थे कि मैं बहुत ब्यूटिफुल तो जब मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि सुंदरता जो है कलर से नहीं आती है सुंदरता आपके अंतर मन से आती है आपके कॉन्फिडेंस से आती है और आप कैसे अपने ग्राउंडेड रहें मतलब अपनी रूट से जुड़े रहें या अपने लोगों को रिस्पेक्ट करें वो रियल सुंदरता होती है किसी का रंग भगवान ने बनाया है लेकिन आप खुद जो बनाते हैं वो सुंदरता है भगवान आपको मोटा पतला लंबा छोटा काला गोरा बना सकते हैं लेकिन आप खुद को क्या तराश के बनाते हैं मेरे हिसाब से वो सुंदरता है और वही मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने अपने आप को तराशा ऐसे ही और लड़कियाँ जिनको लोग बोलते हैं वो सुंदर नहीं है वो तराश सकती हैं और सुंदर बन सकती हैं तो सुंदरता बाहरी सुंदरता कोई बड़ी बात नहीं है आप ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को फिटनेस ला सकते हैं आप ब्यूटी पार्लर जाइए वहाँ से आप सुंदर बन के आ सकते हैं लेकिन जो रियल सुंदरता है ना जो कॉन्फिडेंस या रिस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड वो मुझे लगता है सबसे रियल सुंदरता है और एक यही उद्देश्य था पैजेंट करने का जस्तो तपाईँ त अब इन्डियामा जन्मिनुभयो होइन नेपालमा बिए गर्नुभयो अहिले त्यसै गरी अमेरिकामा तपाईँ आफ्नो जुन कामलाई आफ्नो उद्देश्यलाई त्यो ठाउँमा गरिरहनु भएको छ यो यो जुन प्रतियोगितासम्म पुग्नलाई तपाईँले जुन गर्नुभएको सङ्घर्ष चाहिँ कस्तो खालको थियो जस्तो तपाईँ त बुहारी हुँदा अलिक अप्ठ्यारो पनि त हुन्थ्यो होला नि त्यसमा कठिन सङ्घर्ष त था जब पहिले दिन क्यालिफोर्नियामा गई मै कम्पिटिसनमा जब भाग लिए पहिले दिन क्यालिफोर्नियामा दे एक चीज़ जरुर बोलौँ्गी कि नेपाल कल्चर कल्चरमै मैले प्रोग्रेसिभ देखाए मुझे लगता है नेपाल का जो कल्चर है वो कंजर्वेटिव नहीं है ज़्यादा प्रोग्रेसिव है मतलब कि यहाँ पे लड़कियों को पूजते हैं एक गुनियो चोलो का रस्म होता है जहाँ पे बचपन में लड़कियों को पूछते हैं वो मेरे को इवन दो हम लोग मदेश के हैं आई वॉन्ट टू डू दैट फॉर माई ओन डॉटर तो मुझे लगता है नेपाल में लड़कियों का स्टेटस है ना वो कहीं ज़्यादा अच्छा है अदर कंट्रीज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है तो संघर्ष था लेकिन एक ये भी अच्छी थी क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी प्रोग्रेसिव थी मेरे ससुर जी हमेशा बोलते रहते थे कि अब क्या करना है आगे क्या करना है वो हमेशा वो खुद भी माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कहीं ना कहीं ससुराल से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और हस्बेंड से भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला अमेरिका गई तो स्विमिंग सीखी ड्राइविंग सीखी इंग्लिश बोलना सीखा कॉन्फिडेंस लिया जॉब की कॉरपोरेट करियर बनाया तो मतलब जीवन सीखने का ही नाम है लेकिन सीखना भी तब ज़्यादा अच्छा होता है जब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो तो नेपाल की मेरी जो ये ससुराल की फैमिली थी वो इतनी सपोर्टिव थी मुझे ऐसा लगता है आज मैं जहाँ हूँ ना उसका 80 प्रतिशत उनका है 20 परसेंट मेरी अपनी मेहनत है तो संघर्ष था लेकिन जब मैं कैलिफोर्निया गई पहली बार पैजेंट में तो सब अमेरिकन मेरे सामने खड़ी हुई थी तो मुझे लगा कि मेरा क्या चांस है यहाँ जीतने का लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर हारी भी तो कुछ ना कुछ सीख के आऊँगी उस भावना से लिया और तीन महीने के अंदर मैंने फिर जीता और मैंने इस तरह से लिया जो भी राउंड था मैंने अपना थाउजेंड परसेंट दिया डांस भी किया तो उन्होंने मुझे मिडिल में प्लेस किया मैंने इतना अच्छा डांस किया वहाँ पे या इवनिंग गाउन में मैंने पर्सनल कोच हायर किया और मैंने दिन रात उसके लिए चलने के लिए बोलने के लिए नेशनल कॉस्ट्यूम मतलब आई नेवर लेट एनी स्टोन ऑन दैट्स हाउ माई अप्रोच वर्स और सेम चीज़ मैंने कॉर्पोरेट में भी की है जब मैं जॉब में जाती हूँ तो मैं पूरा फोकस वहीं रखती हूँ जब मैं घर में होती हूँ तो मैं एक माँ और एक वाइफ होती हूँ तो मेरा पूरा फोकस वहीं होता है तो आई ऑलवेज़ कीप माई फोकस काम में हूँ तो कैसे काम कराना है कैसे काम करना है उसमें रहता है तो आई थिंक एक जो डेडिकेशन फोकस है वो रहा मेरा और शायद वही मेरा जीत का जो है आधार बना तो अब तपाईँ ब्युटी प्रेजेन्ट मार्फत चाहिँ अब ने, नेपालको जुन संस्कार संस्कृति जुन नेपालको हेरिटेजहरूको विषयमा तपाईँले यसलाई इन्टरनेसनल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो पनि कुराकानी गर्नुभयो होइन अब यो सँगसँगै तपाईँले समाजसेवाको एउटा भावना जुन लिएर आउनु भएको छ माइती नेपाललाई जुन त्यो आफ्नो डोनेट पनि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ अरू के के छ तपाईँले गर्नु गर्नु खोज्नु भएको जी तो सियाटल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक सोसाइटी है कॉल नेपाल सियाटल सोसाइटी इसी तरह से हर एक स्टेट में हर एक सिटी में नेपाल की एक सोसाइटी होती है उस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और एक दूसरी है एनआरएन नॉन रिटर्न नेपली तो मैं उनके साथ जब उनके कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नॉन नेपलीज़ को लेके कर आऊँ उन उन इवेंट्स में ताकि लोग देखें कि हमारा क्या कल्चर है जब मेरी नेपाल में शादी नहीं हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नेपाली फ़ीचर्स या नेपाली एक तरह के दिखते हैं जब मेरी शादी हुई जब मैंने देखा नेपाल का कल्चर इतनी डाइवर्सिटी मुझे लगता है ये लोगों को पता होनी चाहिए पता चलनी चाहिए कि नेपाल में कितनी ज़्यादा एनशेंट कल्चरल मुझे लगता है दुनिया में द वन ऑफ द मोस्ट एनशेंट कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है वो नेपाल में अगर आप कपिल वस्तु गौतम बुद्ध को भी देखें बहुत सारी किताबों में गलत भी लिखा है लेकिन वो नेपाल की हेरिटेज है तो जब नेपाल की इतनी एनशेंट हेरिटेज है तो लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए तो एक वो मेरा गोल होता है जब भी किसी भी इवेंट में जाती हूँ मैं नेपाल की चर्चा जरूर करती हूँ वहाँ की डिवर्सिटी वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ का जो भी एक यूनिकनेस है क्या आपको ये भी पता होगा कि नेपाल को कभी भी किसी ने कॉलोनाइज़ नहीं किया था इंडिया को ब्रिटिश ने किया बट नेपाल हमेशा इंडिपेंडेंट रहा यह भी किसी को नहीं पता क्यु नै क्यो कि ब्रेभिटी थिएँ उसक खुन म यहाँ कि मिटीमा त म चाहीँ कि म स्पीचेस के थ्रु जो अमेरिकन्स है युरोपियन्स है या साउथ अमेरिकन्स उनको बताऊँ कि वट वी हेभ दैट पीपल डोन्ट नो त एक ये बहुत बडा उद्देश्य रहता है मेरे साथ अब जस्तो नेपालमा जुन माइती नेपाल तपाईँलाई थाहा छ होइन माइती नेपालले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेका छन् जस्तो चाहिँ नेपाली चेलीबेटीहरूलाई जुन बेचबिखन गर्ने जुन भारतमै होइन हाम्रो नेपालीहरू कति चेलीहरू चाहिँ पीडामा छन् तो ट्वेंटी तो फोर्टीन तो तो की बात है अनुराधा जी को सी एन एन हीरो का पुरस्कार मिला था आपको याद होगा तो तब मैंने उनको पहली बार देखा था वो सियाटल आई थी और सियाटल में ही कॉन्फ्रेंस के थ्रू चर्चा हो रही थी तब उनका एक प्रेजेंटेशन चल रहा था वहीं से आई वॉज डीपली टचड उनकी मतलब जिन लड़कियों को उन्होंने रेस्क्यू किया था उन्होंने बेसिकली अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी उसमें तो उनका ये कहना है जब मेरा बात हो रही थी उनसे विमेंस डे पे एक बार फिर चर्चा हुई उनसे तो उनका ये कहना था कि कूड़ा करने पनी होदई ना मतलब बात करने से नहीं होगा एक्शन से होगा फील्ड में उतरो कंबल जो भी है आपके पास वो दो वहाँ से आई गॉट मूव और मैंने डिसाइड किया कि जब मैं अपनी कुछ करूँगी अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट मैं दूंगी माईती नेपाल को क्योंकि ये वो लोग हैं जो फील्ड में जाके रेस्क्यू कर रहे हैं लड़कियों को किस कंडीशन में कैसे आपको ये भी नहीं पता कि आ, मतलब अनुराधा जी की अपनी जान पे कभी आ जाता है जब वो रेस्क्यू करती हैं कितना जोखम उठा के करती हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे फंडिंग देके उन लोगों में कितनी ब्रेवटी कितना साहस है जो रेस्क्यू करती हैं तो एक ये बड़ी मेरे अंदर था कि मैं आई गॉट मूव्ड व्हेन आई मेट हर व्हेन आई टॉक टू हर व्हेन आई सॉ द प्रेजेंटेशन एंड आल्सो व्हेन आई टॉक टू हर ऑन वेमेंस डे तो वहाँ से मैं बहुत मूव हुई तो नेपाल में कति साल में बहुत ब्याह होके सेवेंटीन इयर्स सत्रह साल भाषा अलिक आरोप हस्बेंड से मैं प्रार्थना कर तप बोलू बट ही डजेंट टॉक मच सो आई डोन्ट लर्न मच बट आई ट्राई आई ट्राई टू लाइक अल अलि क्या करूँ मेरे फ्रेंड्स अस्तसग एंड मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर नेपाली जस्ट सो यू नो आई एम बोर्न इन इंडिया बट लाइक नाइन्टी पर्सेंट फ्रेंड्स इन अमेरिका दे आर नेपाली तपाईँले जुन खालको एउटा उद्देश्य लिनु भएको छ जुन एउटा यो तपाईँले क्राउन त आफ्नो पहिराइसक्नुभयो होइन जुन उद्देश्य यो मार्फत तपाईँले जुन समाजसेवा अथवा नेपाललाई जुन चिनाउने तपाईँको जुन उद्देश्य छ त्यो पुरा होस् हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना oh. थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच भैया थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मेन गुप्ताजीको एउटा घोषणा हुँदैछ जस्तो हाम्रो माननीय गुप्ताजीले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ आफूले कमाएको आफूले जो मान्छेले काम गर्छ काम गरेपछि उसले पैसा कमाउँछ त्यो कमाएको पैसाको ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ डोनेट गर्ने माइती नेपाललाई माइती नेपालले के काम गर्छ मैले भनिरहनु पर्दैन त्यसैले म गुप्ताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेनजी तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ समाजसेवा भनेको यही हो समाजसेवा भनेको बोलेर होइन गरेर देखाउने क्या तपाईँले गरेर देखाउनु देखाउनुभयो किनभने तपाईँले अब जुन किसिम डोनेट गर्ने भनेर भन्नुभयो हामी कहाँ के भने अहिलेको अवस्थामा मान्छेले बोल्छन् काम गर्छन् तर एक्सन गर्दैन तपाईँ एक्सन ओरिएन्टेड लेडी पनि हो तपाईँमा जुन किसिमको गुण छ क्षमता छ सुन्दरता छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि अब आफ्नो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राखिदिनुको लागि यो प्रतियोगिताका दौरानमा तपाईँले भोगेका भोगाइहरू अप्ठ्याराहरू सङ्घर्षहरू कथाहरू र विजय प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले गरेका कामहरू र तपाईँको फर्दर फ्युचर प्लानको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राखिदिनुको लागि म मेन गुप्ताको जाग्रु थ्याङ्क यू सो मच Namaste, everyone. Hello. Uh, before I share my journey and my experiences, I would like to extend my huge thank you and shout out, first of all, to um, esteemed Rishi Dhamalaji, Manini mm -hmm. Mangal Prashad Gupta ji, you all amazing journalists taking your time, energy, passion, and dedication, uh, esteemed Mr. Prem uh, Bhushan Gupta ji, and everybody else who's present here. Ani, because I'm born and raised in India, mehru Nepali, this is a China, so I'm a that I'll be speaking in either English or, if you allow, in Hindi. Is that okay? Okay, so I'm speaking English is more. English in Hindi, both. Hindi, Hindi, Hindi. Butchha, you Hindi. Okay, that's that's awesome. So. Um, yes i'm mrs usa universe 2023 in 2021 i got mrs asia usa but the moment that is close to my heart is when i became the first indian nepali women to represent united states when i wore the crown to be the first woman and that brings a lot of emotions because india mehua likin mira viva hua to you to america 338 million इंडिया में रहते हैं वन बिलियन और नेपाल में रहते हैं थर्टी मिलियन तो आई नॉट ओनली रेप्रजेंट अमेरिकन आई रेप्रजेंट नेपलीज माई नेपाल एज वेल एज इंडियन सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी दर आई गिव एन एग्जाम्पल दैर आई कैन रेप्रजेंट ऑल द कल्चर्स सो एज आई थिंक ऑफ माई मैरिज माई चाइल्ड हुड आई हैव बॉर्न एंड रेज विद लिमिटेड रिसोर्सेज कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं पली बढ़ी बहुत कम कम रिसोर्सेज में पली बढ़ी लेकिन एक शिक्षा जो मेरे माता पिता ने दी वो ये थी कि चाहे पैसा कम ही सही पढ़ाई में एजुकेशन में अपना फोकस हमेशा रखना चाहिए और उसी एजुकेशन की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली अंडर में पोस्ट ग्रेजुएशन में और अमेरिका जाके जब एम किया वो भी मेरी कंपनी ने पे किया तो जो मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था जब मेरी शादी हुई और आ, ये भी एक भगवान का शायद कोई आ, कोइंसिडेंस था श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पे उन्होंने मुझे पसंद किया अपनी बहू के रूप में और फिर मेरा अमेरिका जाना हुआ वहाँ जाके उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया वहाँ जाके भी मैंने रुकी नहीं वहाँ जाके मैंने एम किया एक छोटा सा वाक्य मुझे याद है वैन माई फादर इन लॉ के एम टू मीट मी एंड ही वॉज आस्किंग मी अ क्वेश्चन टेल मी अबाउट द इकॉनमी ऑफ यू एस एंड दैट गॉट मी इंस्पायर्ड तो अमेरिका गई वहाँ पे एम किया फिर अभी नाव बीन वर्किंग फॉर कंपनीज़ लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट टी मोबल एंड देन देन आई डिसाइडेड आई शुड गो फॉर पैजेंट पैजेंट भी इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी जो डेफिनेशन है ब्यूटी की वो बस शायद गोरा रंग है ब्यूटी इज़ बियॉन्ड गोरा रंग ब्यूटी चाहे आप मोटे हो, चाहे पतले चाहे लंबे, चाहे छोटे चाहे काले चाहे गोरे ब्यूटी इज़ आपका कॉन्फिडेंस अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके कुछ काम करते हैं तो दैट्स रियल ब्यूटी ऑल्सो ब्यूटी इज मेकिंग श्योर दैट यू ओन योर आइडेंटिटी आप जिस भी शहर के गांव के नेशन के कल्चर के हैं मेक श्योर sure आप उसे कभी नहीं भूले वो रियल ब्यूटी होती है तो अपनी अपनी जो रूट्स है उसे कभी ना भूले एनी वेज मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर नाउ देर हैव वन द टाइटल एंड आई बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम मूविंग फॉरवर्ड माई फर्स्ट गोल इज़ टू मेक श्योर दैट आई रिप्रजेंट नेपाल ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अभी मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि जब मैं अमेरिका में कुछ लोगों से बात करती हूँ उनको ये भी नहीं पता कि नेपाल एक कंट्री है तो एक ये बहुत बड़ा गैप है शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देर आर वॉन टू ब्रिंग टू द सर्फेस सो टुडे आई ओन अ कंपनी कॉल इग्नाइट इग्नाइट में आई कंसल्ट आई टीच आई कोच थ्री सिक्सटी डिग्री कोचिंग टू क्वीन्स एंड मॉडल्स And other girls and career mentorship. that? How do I make sure that I show Nepali cultural heritage to the international platform? I just got uh, Mrs. Grand International ki Directorship. I'm creating a title called Mrs. Grand Nepal USA. So that a participant, when a participant comes on an international platform, people know that that's a country, that's a representation, that's a culture that we need to show on an international platform. तो एक ये बहुत बड़ा मेरा गोल है कि किस भी तरीके से हम नेपाल की जो इतनी अच्छी हेरिटेज, है इतनी एंशंट हेरिटेज कल्चर है उसको किस तरह से हम ले कर आएँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा मेरे लिए जो लर्निंग थी जब नेपाल में शादी हुई वो ये थी कि नेपाल में भी इतनी बड़ी डिवर्सिटी है यहाँ पर भी नेवारी कल्चर है ब्राह्मण है गुरुंग हैं मदेसी हैं यहाँ पे बहुत बड़ी डिवर्सिटी है तो पहले मुझे लगता था कि नेपाल में एक ही कल्चर होता है क्योंकि छोटी कंट्री है बट जब आई तो वही जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की मैं चाहती हूँ कि वो इंटरनेशनली यूरोप के लोग साउथ अमेरिकन अमेरिकन्स एफ्रीकन्स एवरीबडी शुड नो एंड वहाँ से मैं चाहती हूँ कि टूरिज़्म का जो है थोड़ा इंक्रीज़ हो हमारे नेपाल का ट्रेड शुड ऑल्सो गो अप वंस यू हैव अवेयरनेस अबाउट अ कंट्री दैट हैज सच अ ग्रेट डीपर हेरिटेज एंशन हेरिटेज people should know and travel more and more. so, mujalaktaiki, there are opportunities in nepal for tourism, for trade, for cultural collaboration, and also for security. and on those grounds, we can move the country, the, the girl power, the emancipation, the empowerment to a whole different level. so with that, i'll wrap up and i'll say a huge, huge thank you to you all for giving me your time, passion, energy, and dedication. thank you so much. So, first plan is that time I go and speak in any platform. So, we were celebrating International Women's Day, and I was talking to Anuradha Koiralaji that time. So, now that I go to universities, I go to different platforms and other institutions, I always represent myself, not only just American, but also Nepali, Buhari, and also Indian girl. So, that's first representation. Second, I now own a directorship of Mrs. Grant pageant, it's an international pageant. जो हमारी विनर्स होंगी दे विल गो टू वियतनाम टू कम्पीट तो वहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ टाइटल कॉल मिसिज ग्रैंड नेपाल यू एस ए सो दैट देर इज़ अ वन टाइटल दैट वन कंट्री रेप्रजेंट सो दैट्स अनादर रेप्रेजेंटेशन दैट वन अ गर्ल कम्स एंड रेप्रेजेंट हर कल्चर इवनिंग गाउन नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड दैट्स अनादर रेप्रजेंटेशन एंड देन आई एम नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व विद एन आर एन विच इज़ नॉट रिटर्न नेपली ऑर्गेनाइजेशन बैक इन यू एस ए and also i do cultural programs with our nepal uh, seattle society because i live in uh, seattle. so those are certain grounds. that's how i try to represent more and more about nepali culture. we have about, so i live in seattle. we have about 800 nepalese uh, living in seattle and majority of them know me and I, I know them. but i do fundraising. through my concerts, i sing. we do dancing. even though it's a nepali event, i try to do my own dance but that's how i try to bring okay whichever way is possible and invite not only just nepali but also americans so that not only our people can see our cultural heritage but also non-nepali can come and experience what we have to offer those, those are the places where i represent nepal so it's been seven years since i have not come to my, my country nepal as well as india so after i won my competition this is the first time i made my presence this is my way or my medium through you all, and huge thank you to you all. Through you all, I wanted to share my experiences and perhaps maybe a line one or two, inspirational line for girls that why education is so important, why financial independence is so important, why owning your decision, owning your identity as a person, as a girl, as a nation, as a citizen is so important. So the purpose is really to create awareness about women empowerment, self-esteem. If I can do it, if I'm somebody who's born with limited resources, with very less money, if I can do it and achieve this feat, any girl in Nepal, or India, or anywhere in the world can do it. So that is really the purpose of making sure that my my experiences, my journey, can reach to most of the people in Nepal. Uh, recently, during this speech, our country is a very small country, or chota. Chota country, ji. Yes, chi, chi, chi. yes uh, do you explain uh, what's the meaning of छोटा आई थिंक छोटा इज नॉट छोटा छोटा इज़ लाइक पॉपुलेशन वाइज छोटा एरिया वाइज छोटा जैसे इंडिया का जो एरिया है जो लैंड है वो अमेरिका का वन सेवेंथ है अगर लैंड देखेंगे लेकिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की वन टेंथ है तो छोटा मतलब किसी का सेल्फ एस्टीम छोटा नहीं छोटा मतलब छोटी पॉपुलेशन वो मतलब है छोटे का लेकिन छोटा मतलब ये नहीं है देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पर ऑफर है we should be proud that we are nepali citizen we should be proud i am proud that i'm nepali buhari when i came we have kapil vastu we have like so many amazing when every time i come if you go to pokhara even switzerland i don't know if uh, you guys have seen pictures of switzerland even switzerland feels short of pokhara it's so beautiful if you go to raj um, or if you go to pashupatinath those cultural heritage and and just imagine if people in south america they know about Pashupatinath and the beauty of Nepal. What will be the level of tourism? So, if we have that level of transportation awareness, you can improve tourism, you can improve trade, you can improve collaboration, you can improve funding through like international platforms. So, there is lot more that this country has to offer to the international platform. That's what I'm trying to say. Uh, even though we have 30, maybe 30, 40 million people, but we have I don't know. बिलियंस एंड बिलियंस वर्थ ऑफ कल्चरल हैरिटेज दैट वी हैव टू ऑफर सो वी आर ना लेस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जी 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 फ्यूचर प्लानिंग अभी तो यही है uh, अभी जैसे मेरा जो कंपनी है इग्नाइड उसका जो अर्निंग है मैं चाहती हूँ कि मैं एन जी ओज में यहाँ दूँ uh, अनुराधा कोयराला जी से एक बार मेरी चर्चा हुई थी तो मैं चाहती हूँ विमेन ट्रैफिकिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैं जो है थोड़ा फंडिंग दूँ दूसरा है निर्मला गाय गा, गावली जी तो उनको मैंने इनवाइट किया था माइक्रोसॉफ्ट में वेमेंस डे में तो उनके एनजीओ जिसका जो कोलैबोरेशन है अमेरिका में उसका नाम है टीआरआईएफजी उस कोलैबोरेशन में भी मैं फंडिंग देना चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग और आपका टाइम ये दो बहुत ही अमूल्य रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप बहुत हेल्प कर सकते हैं और तीसरा एक गोल है वो है रिप्रजेंटेशन दुख होता है जब मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को इंटरनेशनली यूरोपियन स्पेशली जिनको नहीं पता कि नेपाल एक कंट्री है वो बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए थ्रू इग्नाइट एंड थ्रू माई ओन पैजन जो मैंने अपना क्रिएट किया है यू एस ए में उसका नाम है मिसिज ग्रैंड यू एस ए जहाँ पर नेपाल का एक टाइटल क्रिएट किया है वो इसीलिए क्रिएट किया है कि ये बताने के लिए कि नेपाल एक कंट्री है नेपाल कोई स्टेट या कोई सिटी या कोई पार्ट नहीं है नेपाल अपने में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी मैं चाहती हूँ वो आगे मैंसिफिकेशन नहीं होगा और एक और प्लान है एक प्रोग्राम है ओपेयर कल्चरल प्रोग्राम जिसमें लड़कियाँ हर एक कंट्री से यू में आती हैं और कंट्रीज़ और में भी जाती हैं वहाँ पर वो पढ़ाई करती हैं उनको दो साल का वीज़ा मिलता है और वो एक फैमिली के साथ रहती हैं तो मेरे साथ पिछले छः सालों से मैक्सिकन थाईलैंड बहुत बहुत कंट्रीज़ की लड़कियाँ रहीं मेरे उन्होंने बच्चों को देखा उन्होंने पढ़ाई की वीज़ा लिया लेकिन उस प्रोग्राम में नेपाल अभी तक शामिल नहीं है तो मैंने इस विषय में अपने ससुर जी माननीय श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी से चर्चा की है कि वाई नेपाल इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम उनको फ्री एजुकेशन है फ्री वीज़ा है और उनको कल्चरल एक्सचेंज मिलता है वहाँ पे वो पढ़ती हैं इंग्लिश अच्छी होती है तो वाई नेपाल इज़ नॉट पार्ट ऑफ़ दैट्स एन अपॉर्चुनिटी तो इस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों नहीं ले रहे तो ये चार पांच जो है अभी के मेरे गोल हैं जहां पे मैं चाहती हूँ कि मैं ये नेपाल के लिए या मेरी जो कंट्री है जिसमें मेरी शादी हुई उसके लिए मैं करूं आगे तो ये मेरे गोल है अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये आपका थैंक यू थैंक यू सो मच समाज को आवाज डॉट कॉम